इस वक्त देश में एक बड़े मुद्दे की चर्चा हो रही है। इसी के चलते सियासी गलियारे का पारा भी तेज हो गया और वो मुद्दा है विपक्षी एकजुटता, जो सीधा जुड़ा हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव और तमाम पार्टियों के अस्तित्व से। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि विपक्षी एकजुटता जरूरी है या नहीं, और जरूरी है तो क्या यह हो पाएगी, और हो गई तो कामयाब होगी या नहीं, और साथ में जानेंगे कि इतिहास में पहले विपक्षी एकजुटता कब और कैसे हुई। विपक्षी एकता की बात करें तो ये बात अभी हवा में है, क्योंकि लगभग सभी राजनीतिक दल अभी अपनी पार्टी और अपने नेताओं को बचाने में व्यस्त हैं। बिहार में तेजस्वी यादव खुद को बचाने में, दिल्ली में केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बचाने में, कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने में, और अखिलेश यादव अपने नेताओं को संभालने में। लेकिन ऐसे में ही इन सभी पार्टियों के लिए एकजुट होना जरूरी भी हो जाता है। इतिहास की बात करें तो 1974 से 1977 के बीच में सत्ता के भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम लोग एकजुट हुए थे। पहली लड़ाई जयप्रकाश के नेतृत्व में लड़ी गई थी और दूसरी 2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठा आदमी यानी कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और विपक्ष में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसी वजह से ये साफ दिख रहा है कि वैचारिक तौर पर विपक्षी एकजुटता होने लगी है, यानी कि विपक्षी दल मन में इस बात को समझ चुके हैं कि बिना एकजुट हुए अब कमान हाथ में ले पाना नामुमकिन है। इसी वजह से देश के तमाम अलग अलग मुद्दों पर सभी विपक्षी साथ आ रहे हैं। चुनाव तक काफी हद तक इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। प्री पोल अलायंस भले ही ना हो, लेकिन ये तय है कि पोस्ट पोल अलायंस जरूर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी विपक्षी एकजुटता बिल्कुल हवा में है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विपक्षी एकजुटता केवल दो तरीके से हो सकती है। पहला, किसी चेहरे पर आम सहमति बनने पर, और दूसरा मुद्दों के आधार पर। आज के समय में विपक्ष के बीच इन दोनों को लेकर कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही है। ऐसे में संभव है कि पोस्ट पोल्स अलाइन हो सकता है। लेकिन एक मुद्दा और है जो इस बात को गहराता है कि विपक्ष एकजुट हो सकता है, जातिगत जनगणना। जी हाँ, ये वो मुद्दा है जो आज के वक्त इस तरह चर्चा में है कि राजनीति की सारी गलियां बस इसी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब होंगे। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक इसकी मांग हो रही है। इससे देश की राजनीति में कितना बदलाव आएगा? क्या क्षेत्रीय दल और जातिगत जनगणना की मांग करने वाली पार्टियों को इसका फायदा मिल पाएगा? आइए समझते हैं। देखिए, जातिगत जनगणना की बात करें तो ऐसा करवाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद फंस गए हैं। जनगणना के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी जातियां और उपजातियां सामने आई हैं जिसके बारे में अभी तक लोग जानते भी नहीं थे। ऐसे में अब इन जातियों के लोग भी कहेंगे कि हम नीतीश कुमार को अपना नेता क्यों माने। सभी अपनी अपनी जाति के नेताओं को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ठीक उसी तरह जातिगत जनगणना से भाजपा को वोट छिटकने का भी डर है। जब ओबीसी व अन्य दलित वर्ग की जातियां ये देखेंगी कि उन्हें भाजपा के साथ जाने पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वे उनका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग जातिगत राजनीति करते आए हैं, आज वो हार रहे हैं, फिर चाहे वो सपा हो, बसपा हो या जेडीएस समेत कई दल हो। लेकिन भाजपा इस चीज को अच्छे से समझते हुए आई है और इसलिए वो आज पूरे देश में राज कर रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।